तो भाई वेलकम टू द न्यू डे न्यू वीडियो। और एक दिन दो दिन वीडियो नहीं आया क्योंकि माइंड पूरा एब्सेंट हो गया था। जो हादसा हुआ है उसके कारण, और वो हादसा कैसे हुआ क्या हुआ उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों ड्राइवर एलपी कौन कौन था, कब कब का ज्वाइनिंग था, क्या परिस्थिति था और क्या हुआ एट द पॉइंट कि दोनों का दोनों एक्सपायर हो गया। आज उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो भाई हम लोग के लिए तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। ड्राइवर कम्युनिटी जितना भी हम लोग है, रोज़ हम लोग का वर्किंग है उसी तरह से चल रहा है, बट इतना सेफ्टी कैटेगरी और इतना सेफ्टी वाले जिनका एक अलग से ट्रेनिंग है सेफ्टी के ऊपर, उनके साथ भी ऐसा घटना हो जाता है तो दिमाग सोचने पर मजबूर कर देता है कि मतलब एट द टाइम आपके साथ क्या होता है, क्या हो सकता है वो बोला नहीं जा सकता। तो हमारे जो दिवंगत लोको पायलट साहब थे डी के सहाना जी, वो 1994 में ज्वाइन किए थे एज असिस्टेंट। और वो रायगढ़, पहले रायगढ़ लॉबी में थे, रायगढ़ से फिर विराजनगर लॉबी बिलासपुर डिवीज़न के, और उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र होकर सीकेपी डिवीज़न गए थे। तो और हमारे असिस्टेंट साहब जो था वो मोहम्मद ए आलम थे, जो 2016 में अपॉइंटमेंट लिए थे। एक का उम्र 53 साल था मास्टर का, और असिस्टेंट का मात्र 36 साल का उम्र था। तो ये घटनाक्रम क्या हुआ है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। घटनाक्रम ये हुआ कि चक्रधरपुर से गाड़ी छुट्टी है NMTSS, ठीक है, NMTSS ट्रेन छुट्टी है। और वो चक्रधरपुर के बाद दो स्टेशन आता है, एक आता है आपका बड़ा बम्बू और उसके बाद आता है राजखारसुआ। तो जस्ट दूसरे स्टेशन पे पावर इंटरपोजिंग का प्रोग्राम, पावर इंटरपोजिंग का सेंस ये होता है कि जो ट्रेन जो इंजन आप लेके आ रहे हो वो इंजन दूसरी इंजन में लग दूसरी गाड़ी में लगेगा और उसका इंजन आपकी गाड़ी में लगेगा। तो राजखारसुआ स्टेशन का नाम है जहाँ पर ये घटना हुआ है। तो राजखारसुआ स्टेशन में क्या हुआ है कि आपका 8 और 9 नंबर प्लेटफॉर्म लाइन है। जो 8 नंबर है वो अप लाइन है, अप मेन लाइन है, और आपका 8 के बाद 7 नंबर जो है वो डाउन मेन लाइन है। तो इस तरह का दोनों लाइन है। तो आपका ओलोंग 7 नंबर डाउन मेन लाइन में गाड़ी लेके इंजन लेके इंजन इंटरपोज करके इंजन खड़ा हुआ, और 8 नंबर जो है वहाँ से अप मेन लाइन से गाड़ी आ रही थी, मेल मुंबई मेल 12810। तो जब गाड़ी हो गया तो वो लोग वहाँ पर रिलीफ होने वाला था, तो किसी कारणवश ड्राइवर जो है लोको पायलट सर अपना उतरे इंजन से, और आपका 8 नंबर जो अप मेन लाइन है उस पर चलने लगे। तो उसी क्रम में असिस्टेंट जो है वो देख लिया कि उधर से गाड़ी आ रही है MD ए आलम। तो ए आलम जी क्या हुआ, ड्राइवर को बचाने के लिए वो उनको आवाज़ दिए कि मास्टर जी आओ। अब उस समय क्या कर रहा था, क्या पोजीशन था वो तो कोई जान नहीं सकता, एक एक अंदाज़ा है। और जो ड्राइवर ये एक्सीडेंट हुआ है जिनके द्वारा हुआ, जो मेल लेके आ रहे थे उनके द्वारा बताया गया घटनाक्रम, तो वो उसको बुलाए बट वो क्या धुनकी में थे वो सुने नहीं। और तो इसी क्रम में असिस्टेंट यहाँ से उतरा ताकि वो उनको बचा ले और दौड़ के उनकी तरफ जाने लगे, और वो गाड़ी का अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि मुंबई मेल क्या स्पीड में आ रहा है। टाटा से लेकर यहाँ झांसूगढ़ तक 130 KMPH का स्पीड मेंटेन रखना है कोचिंग को। तो दिए गए ड्राइवर के स्टेटमेंट के अनुसार वो गाड़ी तभी 125 का स्पीड में था। तो 125 का स्पीड में था वो गाड़ी, जैसे देखा असिस्टेंट को मास्टर, इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब भी असिस्टेंट पहले हिट हुआ और असिस्टेंट हिट होके छिटक गया, छिटक के गिर गया।
और ड्राइवर के ऊपर पूरा गाड़ी पार हो गया। 125 के स्पीड में, रात का बज रहा था 12:15। रात में ऐसे विजन कम रहता है, एट द टाइम विजन पड़ा और मास्टर एक्शन लिया, लेकिन दोनों वहीं पर वहीं स्पॉट हो गया। ड्राइवर वहाँ पर गाड़ी रोका और इसका जानकारी स्टेशन को दिया, राजखरसवा को, कि ऐसा ऐसा दो आदमी था, दो आदमी हिट हुए। उसको भी नहीं पता भाई कौन। फिर अगला स्टेशन में जाके, मतलब चकदरपुर में जाके, क्योंकि बीच में इसको स्टॉपेज नहीं है, तो चकदरपुर में जाके फिर इसका रिटर्न मेमो दिया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। तो वो क्षण भर का, मतलब क्या बोलेगा उसको, कि उसने क्या माइंड काम किया, उसको वो चलने लगा। 53 साल का मास्टर है, 7 साल में उसका रिटायरमेंट होने वाला है। वो एक मंझा हुआ खिलाड़ी है, ये बोल सकते हैं एमडी आलम 2016 का नया लड़का है, लेकिन वो तो मझा हुआ खिलाड़ी। अब बोल सकते हैं मृत्यु जब आता है तो आदमी क्या होता है क्या नहीं होता। तो अभी फिलहाल डीआरएम साहब का एक क्लिप भी आया है कि वो बोले कि जल्दी से जल्दी सारा उन लोगों को जो भी चीज़ मिलना चाहिए, तुरंत तुरंत जो भी सर्विस का प्रक्रिया है, इसके बाद मृत्यु के पश्चात जिसको मिलता है सर्विस, वो सारा प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो यही पूरा घटनाक्रम है। अभी सारा लोबी से, जितना भी लोबी है, जैसे ही किसी का कुछ होता है तो जितना भी लोबी अपना डिवीज़न में रहता है या सामने वाला कोई डिवीज़न रहता है, तो लोग कुछ पैसा कलेक्शन करके देने की कोशिश करता है। तो हर लोबी में 4 लाख 5 लाख एक एक लोबी से होता है। एक एक लोबी में 600-700 आदमी है। तो आज से सब पैसा जमा करने का चालू हो गया, जिसको जितना हो सके, 5,000 500,000 जो जितना दे सके, 200 100, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना आपसे बन पाता है आप दीजिए। अब घटना तो हो गया है भाई, अब उससे सीख लेने की ज़रूरत है कि आप जब भी मेन लाइन में काम कर रहे हैं, और अगर आप जान रहे हैं कि यहाँ तक कोचिंग का मूवमेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको, मतलब अपना सेफ्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। रेल है, प्रायोरिटी है, लेकिन आपका जीवन से प्रायोरिटी नहीं है। आपके होने नहीं होने से रेल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके परिवार को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसीलिए हम तो यही सोचते हैं कि रेल जाए तेल लेने, पहले अपना लाइफ सिक्योर कीजिए, उसके बाद उसके बारे में सोचिए। आप सुरक्षित रहिएगा तो ही रेल को सुरक्षित कर पाइए। जितना ही मेरा नया भाई लोकन जो भी अभी ट्रेनिंग कर रहा है और अभी प्रोसेस में आएगा, तो भाई सेफ्टी अपना रखिए। इंजन जो है हम लोग का कवच है, अगर आप इंजन से नीचे उतर रहे हैं रात के समय, है टॉर्च मारिए, दिन के समय ही आगे पीछे सब तरफ देखिए, उसके बाद ही उतरिए। टॉयलेट लगता है, ऐसा कुछ लगता है, तो साले इंजन के ऊपर से करिए, उतरने की जरूरत नहीं। हम तो रात में असिस्टेंट को उतरने नहीं देते, भाई उतरो नहीं, ऊपर से करो। रात में भी भाई क्या है, सांप बिच्छू क्या क्या घूमता है, क्या जरूरत है। उतना साधु सामान्य बनना नहीं है, अपना जीवन को पहले प्रायोरिटी देना है, सेफ्टी देखना है। कल हम इंजन जा रहे थे, मेरे को मतलब एक्टिविटी जो होता है ना मेरे चलाने का, वो मतलब एक्टिविटी आ रहा नहीं था। एक डर और बोलिए एक शौक, मतलब क्या कैसा हो गया। जैसे हम तो सीकेपी में नहीं थे, बट जो मेरा पैच के लड़का लोग, तो सीकेपी में था, लोग बोल रहा था कि जो डीके सहना लोको पायलट, तो बहुत ही अच्छा आदमी था। ठीक है, होता है, काम करना है, जॉब है अपना तो काम करना है, अच्छा तरीका से काम करना है। तो जितना आप सेफ्टी अपने आप को दीजिएगा, एक एक पाँव अगर आप आगे रख रहे हैं तो उसको अगर सेफ्टी दीजिएगा तो आप सेफ रहिएगा। चलिए भाई, इसी के साथ आज ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गाड़ी में ऐसे ही सब करवा दी, परमानेंट जा रहे हैं। आइए ना, आप अंदर से पकड़िए, ये आप आ जाइए ना, चलिए चलिए। एक को बचाने गया एलपी, और अनफॉर्चुनेटली उनका भी ये हो गया। लगता है थोड़ा लास्ट मोमेंट में ऑलमोस्ट क्रॉस कर गए और चोट लग गया, क्योंकि स्पीड और चोट की वजह से, और शायद ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स सब तुरंत खबर कर दिए, वो लोग आए। अब रेलवे की तरफ से बिल्कुल
जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सब तुरंत हो रहा है, चाहे एडवांस हो या उसके बाद जो ग्रेचुटी पेमेंट हो, सब तुरंत हो जाएगा। ये आज ही हो जाएगा या कल हो जाएगा, और उनके नौकरी तो बिल्कुल मिलेगी, वो भी जल्द से जल्द करा देंगे, और उनके फैमिली से हम टच में रहेंगे ताकि उनको जो भी सुविधा चाहिए वो हम देते रहें। और हम सिर्फ अपील करते हैं हर एम्प्लॉय को और बाकी नागरिक के लिए, पर्सनल सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आजकल इतना ट्रैफिक हो गया है, इतना तरह के माहौल इतना बड़ा हो गया है, तो हर कोई अपना अपने इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। पर्सनल सेफ्टी खुद बहुत इम्पोर्टेंट है।